जनपद में 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक विशेष स्टाम्प अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ स्टाम्प का मुकदमा पंजीकृत है उनके लिए विशेष स्टाम्प अदालत का आयोजन किया गया है, जो कि 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा तथा इसके बाद भी प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि जिनको स्टाम्प की कमी या चोरी के मुकदमे की नोटिस मिली हुई है, जिसमें जिलाधिकारी न्यायालय, एडीएम फाइनेंस न्यायालय या डीआईजी स्टाम्प के न्यायालय का नोटिस शामिल है, ऐसे व्यक्ति तुरंत संबंधित न्यायालय से संपर्क करें तो अर्थदंड नॉमिनल हो जाएगा तथा ब्याज भी उतने ही दिन का लगेगा, इसलिए संबंधित न्यायालय में संपर्क करके स्टाम्प का पैसा जमा करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ऐसे लोगों के लिए जिनके विरुद्ध स्टाम्प कमी का मुकदमा कहीं पर पंजीकृत है, विशेष स्टाम्प अदालत का प्रावधान किया गया है, जो 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद भी प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार के लिए रहेगा। मेरा अनुरोध है उन लोगों को जिनको नोटिस मिली हुई है कहीं पर भी स्टाम्प कमी के मुकदमे की, जैसे डीएम साहब के यहाँ, मेरे न्यायालय अर्थात एडीएम फाइनेंस के न्यायालय या एआईजी के न्यायालय का, वो तत्काल उस न्यायालय से संपर्क करें। ब्याज का पैसा तो उनका बढ़ता ही रहेगा, जितनी जल्दी वो संपर्क कर लेंगे ब्याज उतने ही दिन का लगेगा और अर्थदंड उनका नॉमिनल हो जाएगा। ये एक ऐसी सुविधा है जो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, तो वो संपर्क करें और अपना निर्णय करा करके पैसा जमा कराएं। धन्यवाद।